मेरी नदी मेरी वाणी बनाती है, इसलिए भारत की नदियाँ भारत की भाषाओं का भी निर्माण करती हैं। इसीलिए भारत की भाषाएं और भारत की नदियाँ, इनको बचाने की ज़रूरत है। पवन कल्याण जी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने हरिद्वार में आके ये कहा था कि गंगा भारत की माँ है, गंगा हम सब की माँ है और भारत की सारी नदियाँ ही माँ हैं। इसलिए यदि हम सारी नदियों को माँ मानते हैं तो सारी भाषाएं भी माँ हैं, और सारी भाषाओं की माँ भारत में संस्कृत और हिंदी है, और इन पर अब संकट है, इनको बचाने की ज़रूरत है। आपने अपने आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा को बचाने का जो आंदोलन खड़ा किया है, वो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और इस आंदोलन में मैं आपके हृदय से साथ हूँ। आपने जो ये आंदोलन शुरू किया है, ये इस समय की ज़रूरत है, इसलिए हम मिलकर मेरी वाणी मेरी नदी मेरी वाणी इस आंदोलन को तेज़ी से चलाएंगे। और जिस तरह से गंगा में पुराने ज़माने में कुंभ आयोजित होते थे, ये कुंभ क्या थे? ये कुंभ अच्छाई और बुराई को अलग करना, जहर और अमृत को अलग करना, और समाज में जो बुराइयां हैं उनको पहचान कर समाज को बताना कि अगले 12 साल तुम्हें इस तरह से रहना है और ये करना है और ये नहीं करना। ये जो हमारी भारत की कुंभ परंपरा थी, वो कुंभ परंपरा अब मलिन होती जा रही है। अब केवल सिर्फ स्नान करना ही कुंभ मान लिया जाता है। आज इस बात की ज़रूरत है कि सिर्फ स्नान करना कुंभ नहीं है, बल्कि गंगा को, गंगा के गंगत्व को, बायोफाज को, गंगा के गंगा अमृत को अमृत की तरह कायम रखना ही कुंभ है। और हमारा जो गंगा में पवित्र जल बहता है, उसमें गंदा जल ना मिले, उसके लिए काम करना अब कुंभ है। इसलिए हम कुंभ को सही अर्थों में यदि स्थापित कर दें, तो हम दोबारा से भारत के लोग दुनिया के गुरु बनने की पूरी क्षमता रखते हैं। भारत तभी तक गुरु था जब तक वो अपने कुंभ की रक्षा करता था। और भारत की कुंभ परंपरा एक तरफ उत्तर में हरिद्वार में और प्रयाग में गंगा पर होता था, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर होता था, और तीसरे मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी पर होता था। मैं समझता हूँ कि आज हमें कुंभ को सही अर्थ में, सही मायने में दोबारा स्थापित करने की ज़रूरत है, और इसको स्थापित करना है कि हम मिलकर सभी नदियों को गंगा की तरह माने और सभी नदियों को गंगा की तरह व्यवहार करें। आज हम मिलकर अब सब जिस तरह से नदियों को बचाने के लिए अविरल गंगा जल साक्षरता यात्रा शुरू की है, उसी तरह से आंध्र प्रदेश से कल्याण जी ने जो भाषा को बचाने का आंदोलन शुरू किया है, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ, और मैं कामना करता हूँ कि ये आंदोलन हम मिलके चलाएंगे। हम साथ हैं, ये दोनों आंदोलनों में हम साथ रहेंगे। जय हिंद। ఏంటండి వీడియో నచ్చిందా? అయితే ఓ లైక్ వేసుకోండి, లేదంటే ఓ కామెంట్ చేయండి. ఎప్పటికప్పుడు మా వీడియోస్ చూడాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.